यहाँ से परेशान कर ही रहे हैं। नहीं आप इसको हटाइए, चलिए यहाँ से तुरंत हटाइए गाड़ी यहाँ से। 10% होगा सर। नहीं आप चलिए हटिए यहाँ से, चेकिंग बंद कर रहे हैं। आप बंद कीजिए और जाइए यहाँ से, आप कहीं और जाइए। आप करोड़ लोगों को परेशान तो पता चल जाएगा, दिन में तारे देखने को मिल जाएंगे। घूमिए पूरे जिले में, घूमिए एक जगह पे मत बनाइए। हमारे सैबड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को परेशान करेंगे, परेशान किसी को नहीं, भाई परेशान कर ही रहे हैं। निकल जाए, रुके क्यों वहाँ पे, सबको परेशान, वो आपके भाई के वजह से रुके। उनको बोलो निकल जाए। हाँ उनको उनको भाई की यहाँ टैक्स देना पड़ेगा। रुके पड़े आपके वजह से, रुके पड़े। नहीं आप इसको हटाइए, चलिए यहाँ से तुरंत हटाइए गाड़ी यहाँ से, परेशान कर ही रहे हैं। सबको परेशान, वो आपके भाई के वजह से रुके। आप भंडे में तो जाओ, आप बसई भी तो जाओ, बसई भी जाओगे, आप बसई आपके कार्य क्षेत्र में नहीं, आप तो जाओ नहीं, वहाँ क्यों नहीं जा रहे, आप बड़ौनी जाओ, वहाँ वहाँ मंत्री जी से डर लग रहा है आपको। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, चलिए आप हटिए यहाँ से, गाड़ी बढ़ाइए। कि लोग क्या बस किस तरह से क्या मैं व्यवहार कर रहे थे लोगों का। देखो आज मैं सेवड़ा से वापस लौट रहा था दौरे के बाद, अभी शाम को निदान के कुआ और झड़िया के बीच में जहाँ बाईपास मिलता है, नया बाईपास जो निर्मित हुआ है, वहाँ भीड़ लगी थी। बल्कि झड़िया से लेकर वहाँ तक लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे में मोटरसाइकिल वाले, गाड़ी वाले साइड से सड़क के किनारे रोड लगा के खड़े थे, कई महिलाएं बच्चे सब खड़े हुए थे। और ये पॉइंट ट्रैफिक पुलिस ने एक हमेशा के लिए एक पॉइंट बना रखा है चेकिंग के लिए। मुझे शिकायतें बहुत मिलती रहीं, काफ़ी दिनों से मिल रही थी, कि यहाँ हमेशा खड़े होके और अवैध वसूली करते हैं किसी भी बहाने। सारे कागज़ ठीक हैं तो फिर कहीं पॉल्यूशन नहीं है, कहीं हेलमेट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, छोटी मोटी बातों को लेकर। जबकि ये बहुत स्पष्ट है कि पुलिस का ये काम नहीं है, ट्रैफिक प्रभारी जो है, ट्रैफिक पुलिस, उसका मुख्य काम है शहर में ट्रैफिक का मैनेजमेंट करना। चौराहों पे ड्यूटी होती है, टाउन हॉल पर, तेलिया पर, किला चौक पर, पीताम्बरा पीठ के आगे, सिविल लाइन पर, ये सब सुनी पड़े रहते हैं चेक पॉइंट। और ये दो जो ट्रैफिक प्रभारी हैं, खान साहब और पाल, ये 8-8, 10-10 ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों को लेके और एक दो गाड़ियाँ लेके और खड़े हो जाते हैं। इनने पॉइंट बना रखे, ये तो परमानेंट पॉइंट बना रखा है। और यहाँ जो भी आ रहा है जा रहा है उसको परेशान करना, वसूली करना, केवल ये अवैध कट्टे छपवा के रखते हैं, ये फर्जी कट्टे, उसमें रसीद दे देते हैं 200, 250, 500, 1000 जितना भी चालान काटा और जेब में पैसे डालते हैं। और पता तो ये भी चला है कि ये पैसा ऊपर तक बढ़ता है, जो भी होता हो कहने तो मालूम नहीं, लेकिन जनता बहुत त्रस्त थी, बहुत परेशान थी। आज मैं सेवड़ा से जब लौट रहा था, मैंने देखा 1.5 किलोमीटर लाइन लंबी लगी थी झड़िया से और पॉइंट तक जहाँ चेकिंग हो रही थी, तो मुझे लगा कि ये तो जनता के साथ अन्याय है। मैंने रुककर ट्रैफिक प्रभारी जो गौतम सिंह पाल हैं उनसे बात की, मैंने उनको कहा, मैंने उन्हें डांटा भी, मैंने कहा ये कोई तरीका थोड़ी, आप एक ही जगह हमेशा खड़े रहते, आपको पूरे ज़िले का चार्ज है, तो आप कभी बसई भी तो जाओ चेकिंग करने, कभी भांडेर में भी अभियान चलाओ, कभी सेवड़ा जाओ, दतिया में भी अलग अलग पॉइंटों पर जाओ, बड़ौनी नगर पंचायत है वहाँ जाओ। इसके अलावा मुख्य काम आपका है ट्रैफिक का मैनेजमेंट शहर में, वहाँ से जो पॉइंट में सिपाहियों की ड्यूटी है सबको आप उठा लाते हैं, शाम का टाइम है, सारे पॉइंट सुनर पड़े। तो इस बात पर मैंने उनको नसीहत दी, मैंने कहा कि ये आचरण आपका ठीक नहीं है, अगर आपने इसको ठीक नहीं किया तो मैं आगे शिकायत करूँगा, और उनको समझाइश दी कि इन सबको निकल जाने दीजिए।